दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज खत्म होने के बाद 3 मैचों की ODI सीरीज कल से होना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सीरीज शिखर धवन की कप्तानी में खेला जाएगा और कुछ नए प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रोहित समेत वर्ल्ड कप में चुने गए सभी प्लेयर्स इस ODI मैच में नहीं रहने वाले हैं। वह सब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से वार्म अप मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ODI मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। इंडिया की तरफ से आपको कैप्टन शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, शहबाज अहमद, दीपक चहर, आवेश खान, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सुराज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें साउथ अफ्रीका के टीम की, तो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका टीम से आपको टिम्बा बाउमा, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, वेन पार्नेल, केशव महाराज, कगिशो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे या तबरेज शम्सी में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ODI सीरीज जीत पाएगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।